जहां लगभग 70 छात्र छात्राएं जो कि यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें स्वदेश लाने की मांग परिजनों ने देश के प्रधानमंत्री से की है। छात्र छात्राएं सुरक्षित स्वदेश वापस लौटकर अपने घर आ सके। इंदौर के सिलिकॉन सिटी में रहने वाले यूक्रेन में फंसे छात्र आशीष चंद के माता पिता का रोकर बुरा हाल हो गया है। आशीष के माता पिता ने बताया कि आशीष मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए थे और युद्ध के बाद यूक्रेन में छात्रों की हालत खराब है। एटीएम से रुपए निकल रहे हैं, ना ही एटीएम से रुपए निकल रहे हैं और ना ही खाना पीना भी मिल रहा है। आशीष वैसे तो बिहार के मुजफ्फराबाद के रहने वाले हैं पर उनको माता पिता इंदौर के सिलिकॉन सिटी में उनके माता पिता रहते हैं। जो बॉर्डर से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या स्थिति सर, क्या बात हुई? बहुत नाजुक स्थिति। खाने पीने के सामान बंद है, एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे हैं, सब पैसे बंद हो गए हैं और बिजली भी कट गए हैं सुबह 3 बजे से। तो अभी जो 26 तारीख का बता रहे थे उनका भी टिकट बुक हो गया था। हाँ, तो एयरपोर्ट पे अभी कब्जा हो गए हैं, तो एम्बेसी से जो मैसेज आया है कि अभी जो बच्चे हैं जहाँ हॉस्टल में रहें कहीं बाहर ना निकलें। तो अभी क्या हालात है वहाँ पर? बहुत नाजुक हालात है। यूक्रेन में स्थिति तो काफ़ी दयनीय है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। बच्चे भी हमारे बहुत परेशान और डरे हुए हैं। वहाँ की स्थिति इतनी खराब है, खाने का सामान नहीं मिल पा रहा है, पानी नहीं मिल पा रहे हैं, लाइट है वो भी कह रहे हैं कि बिजली कल से ख़त्म हो जाएगी, तो आपके संपर्क में भी मैं शायद ना आ पाऊँ। और काफ़ी डरे सह में है, बगल के बिल्डिंग में एक धमाका हुई है, तो मैं तो माँ हूँ, माँ पर एक क्या बीतेगी ये तो समझ सकते हैं।